झारखंड में लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। बोकारो से अन्य प्रदेशों में बसों की परिचालन लगातार खबरें मिल रही हैं। वहाँ चंद दिनों पूर्व टीओ बोकारो ने बिहार जाने वाली 5 बसों को जब्त की थी। इसके बाद भी बसों की परिचालन होने की शिकायतें मिलती रहीं। इसके बाद डीटीओ संतोष गर्ग ने सीसीआर यातायात डीएसपी शत्रुघ्न रजक पुलिस बलों के साथ नया मोड़ स्थित बस स्टैंड पहुँचे तथा स्टैंड की सभी रास्तों को सील करने का आदेश जारी किया। डीटीओ श्री गर्ग ने बताया कि किसी भी कीमत पर बसों की परिचालन रोका जाएगा तथा अब जुर्माना नहीं वसूला जाएगा बल्कि FIR दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आदेश को सख्ती से पालन किया जाए। परमिशन के गाड़ी आप लोग कैसे रोड पे चला रहे हैं? नहीं चल रहा, मेरा नहीं चल रहा है गाड़ी। कुछ चलता होगा तो नहीं पता है, लेकिन जो भूखे आदमी यहाँ पे है 95 दिन से 97 दिन से, मालिक बोल रहा है कि हम खर्चा नहीं देंगे, तुम लोग गेस्ट में पड़ रहो, उसका देख रेख करने वाला कौन है? जो भूखे आदमी यहाँ मर रहा है सर, उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो सरकार से आप बात करने गए? DC से बात की है? यहाँ का मुख्यमंत्री से कुछ लेटर दिए आप लोग बस के चलाने के लिए? मुख्यमंत्री वहाँ क्या दे, इतना औकात हमारे स्टाफ के बीच में नहीं है कि सीधे जाकर वहाँ विधानसभा चाहे मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर मिले। यहाँ खाने का नहीं तो रांची के जाएगा मिलने के लिए मुख्यमंत्री से? आप मालिक हैं, आपको तो कम से कम ये देखना चाहिए कि आपके बस भी चले, आपका स्टाफ का भोजन भी हो जाए। हम मालिक नहीं है, यहाँ का संरक्षण है मेरा, जो जयराम क्लासिक बस चलती है हम उसका देख रेख करते हैं, ओनली फॉर मैनेजर, और हम कुछ नहीं है। लेकिन मालिक कितना दिन तक देगा, कोई भी मालिक हो कितना दिन तक देगा? तो बिना सरकार का आदेश का गाड़ी चलेगा? नहीं चल रहा, जो चल रहा है चल रहा है, पकड़ रहे हैं सर, बीटी साहब पकड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी भी गाड़ी पकड़ाई, ये पकड़े हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको ध्यान दीजिए भी आप लोग कि कम से कम जो स्टाफ यहाँ भूखे मर रहा है 93-97 दिन से, उसका देखने वाला कौन है? क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह। अपुष्ट सूचना मिल रही है कि यहाँ से रोज बुकिंग करा करके बसों का परिचालन किया जा रहा है। 10-15 दिन पहले भी हमने छापामारी की थी। यहाँ जो 2-4 लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि उनकी बसें यहाँ पर हैं, बहुमूल्य संपत्ति है, उसकी रक्षा के लिए यहाँ पर हैं। हम लोग अभी बस स्टैंड का निकासी और प्रवेश दोनों को खुदवा करके दोनों को बंद करा दे रहे हैं ताकि जो बस बाहर है वो बाहर ही रह जाए, जो अंदर है वो किसी भी परिस्थिति में बाहर न निकले। साथ ही कोई भी सवारी किसी भी तरह के लोग यहाँ आ नहीं पाए, इसलिए हम लोग सीलबंद करने की कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब परमिशन नहीं है बस को कहीं जाने का? इंटरस्टेट बसों के परिचालन की अनुमति नहीं है, उनको बस नहीं चलाना है। नहीं चलाना। आप लोगों ने भी अखबार में आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं? कुछ जो पकड़ में आ रहा है उस पर फाइन कर रहे हैं, हमने फाइन किया भी है। अभी से जो पकड़ में आएंगे उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की। कितने बसों को आप लोगों ने कार्रवाई की है? 2-3 बसें मैंने देखी जरीडी थाना में भी लगी हुई है। चार बसों को पकड़ा गया था, थाने में जब्त किया गया था। 2 बसें और हैं जिन पर कि हम लोग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। डीटीओ साहब एक बात बताइए, आपका यहाँ बगल में टोल है, टोल पे भी पुलिस की ड्यूटी रहती है, तो वहीं पे गाड़ियों को क्यों नहीं रोका जाता, वहां से क्यों गाड़ियों को जाने दिया जाता है? हम लोग सभी थाना प्रभारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने अपने थाने के समक्ष कार्रवाई करें। कार्रवाई करने को लेकर कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से कुछ दुविधा है। हम लोग सभी उपायुक्त महोदय से अनुरोध करके सभी थाना प्रभारियों को ये पत्र भिजवा रहे हैं कि जिसके भी थाने के समक्ष बस चले उसको तत्काल प्रभाव से पकड़ करके जब्त कर लें और यात्रियों को उनके गंतव्य